हमें कई नामों से बुलाया जाता है, गणिका, वैश्या, रंडी, लांछा, धंधे वाली वगैरह वगैरह। और मर्द हमारे पास मजे करने के लिए आते हैं, हमसे अपने प्यार का इजहार करते हैं, हमारे पैरों पर गिरते हैं और हमारे इशारों पर नाचते हैं। लेकिन क्या कभी उन्होंने ये सोचा है कि वास्तव में बुरा कौन है? कभी कभी ये जानने की कोशिश की है कि आज हम जो कुछ भी हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? मेरे हिसाब से तो बहुत कम। कई बार लड़कियां और कोई रास्ता ना होने की वजह से इस लाइन में आ जाती हैं, और कई बार धोखे से फंसा कर उनको यहां लाया जाता है। हमारी रोजी रोटी। हर आदमी की शारीरिक जरूरत को पूरा करना, क्या हम मना कर सकते हैं? ना, ना मुमकिन। आपके धंधे में बढ़ती उम्र के साथ आपका तजुर्बा बढ़ता है, आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है, आपकी तनख्वाह बढ़ती है, बड़े बड़े पेचेक्स मिलते हैं। हमें नहीं, इन भड़वों को, मैडम्स को, दलालों को, इन सबको फायदा होता है, हमें कोई फायदा नहीं होता। कुछ अंदाजा है तुम्हें? क्या तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे पतियों, भाइयों, चाचाओं, बाबों की वजह से हमें यहां बैठा दिया जाता है? अगर वो हमें नहीं खरीदेंगे तो हमें यहां बेचा भी नहीं जाएगा।